आज का महानगर में आपका स्वागत है, जहां एक तरफ पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झूम उठा है, वहीं दूसरी तरफ मीरा रोड में इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रैली के दौरान दो समुदाय के बीच माहौल बिगड़ता दिख रहा था। उस बात को ध्यान में रखते हुए मुंब्रा का माहौल खराब ना हो, इसलिए मुंब्रा में नाकाबंदी भी की गई थी और चेकिंग भी कराई जा रही थी, ताकि मुंब्रा का माहौल खराब ना हो। इस बीच एक वीडियो मुंब्रा में भी वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि हिंदू समाज के कुछ युवकों ने बाइक पर झंडे लगाकर नारेबाजी करते हुए एमएम वली पर घूम रहे थे। इस बीच मुस्लिम समाज के युवकों के साथ उनकी हाथापाई और विवाद भी हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंब्रा पुलिस ने तुरंत ही उस वक्त 3 लोगों को हिरासत में ले लिया था और इस तरह मुंब्रा का माहौल खराब होने से बच गया। और फिर कार्रवाई करते हुए कुल 8 लोगों को मुंब्रा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उन पर माहौल खराब करने की धाराएं लगने जा रही थी। तभी इस दौरान मुंब्रा कलवा के विधायक जितेंद्र अवहाड़ वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन लड़कों को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए छोड़ने की अपील की, क्योंकि हिरासत में लिए गए 8 युवकों में से 4 युवक नाबालिग थे और उनका भविष्य खराब ना हो, इस बात को ध्यान में रखा गया है। तो विधायक जितेंद्र अवहाड़ की अपील के ऊपर उन युवकों को छोड़ दिया जाएगा। हम आपको एमएम वली के कुछ वीडियो भी बता रहे हैं कि किस तरह वह युवक झंडा लेके बाइक पर घूम रहे थे। अरे ले 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 आगे ले आगे ले आगे ले भाग रहे ले।